हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ ए बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल्स। ऑप्शन सी, फोर विंग्स विद डार्कर टेगमिना। एंड ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ एनल सरसी। सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। And here we are going to discuss about the sexual dimorphism in cockroach. तो देखो, कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। इनमें मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो मेल और फीमेल कॉकरोच को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो देखो, मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन डिस्टिंग्विश by the presence of anal style in male. Male के अंदर anal style या जिसको caudal style कहते हैं, ये present होते हैं male में, ठीक है, in male cockroach। और female cockroach में क्या होता है, ये absent होते हैं। और अगर हम बात करें anal cerci की, तो एनल सरसी प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं 10th सेगमेंट में। प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच इन 10th सेगमेंट। ओके, अगर हम बात करें, नाउ सी द स्टेटमेंट। तो देखो, इन्होंने कहा है बोट शेप स्टर्नम ऑन द नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। गलत, बोट शेप स्टर्नम प्रेजेंट होता है 7th सेगमेंट में। कॉडल स्टाइल, यस, कॉडल स्टाइल जो प्रेजेंट है मेल में, उससे वो फीमेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फोर विंग्स जो है वो डार्क कलर के होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही, और एनल सरसी भी दोनों में प्रेजेंट है। So here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.